हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। ओके बाय। गुड मॉर्निंग सर। आओ बदरी के। इसे जानते हो? इसे कौन नहीं जानता सर, ये तो राज है। राज, बंबई में जो भी अंडरवर्ल्ड का काम होता है इसी के इशारों पे चलता है। इसकी जड़ें अब बहुत मजबूत हो गई हैं, तुम्हें इस जड़ को काटना है। लेकिन सर ये तो डाबला साहब का खास आदमी है, उन्हें पता चला तो? बद्रिके, राज जैसा आदमी जब ऊंची उड़ान उड़ने लगे तो ये बात डाबला हो या अंडरवर्ल्ड का कोई भी आदमी हो, किसी को भी अच्छी नहीं लगती। समझ गया ना? मैं समझ गया सर। तो ये भी समझ लो कि ये काम पुलिस एनकाउंटर की आड़ में होना चाहिए। तुम्हें इस वक्त राज होटल सी प्रिंसेस में मिलेगा। क्यों डार्लिंग, जा रहे हो? फिर कब मिलोगे? क्यों रे, अभी तक तेरा दिल नहीं भरा क्या? हाँ देख, मेरे लिए लड़की एक मेहमान की तरह होती है, दिल में आई, थोड़ी देर रुकी और फिर चुपचाप चली गई। और तू जानती है मेहमान वही अच्छा लगता है जो ज्यादा देर तक नहीं रुकता। हैरत की बात है, दरवाजे पर दुश्मन खड़ा है और उसका स्वागत करने के लिए मेरी पिस्तौल में गोली तक नहीं। वैसे मुझ में बहुत सारी बुराइयां हैं, मगर एक बात बहुत अच्छी भी है, मैं हमेशा दो घोड़ों की सवारी करता हूं। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। चल। बताओ, अपने धंधे में यह सब होता ही है, तुम्हें तो पता है इंस्पेक्टर है? अरे राज, मैं और इंस्पेक्टर अभी तुम्हारी बात कर रहे थे, 100 बरस की जिंदगी है तुम्हारी। जब तक आपका हाथ मेरे सर पे है डाबला सेठ, मैं कैसे मर सकता हूं? आज अचानक पुलिस वालों ने कोशिश की थी डाबला सेठ, मगर मैं बच गया। क्यों, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है डाबला सेठ, मगर जो आज हुआ है उसे होना नहीं चाहिए था। पुलिस वालों को तो हमने बांध के रखा है ना, हाँ? फिर ऐसा क्यों किया इन लोगों ने मेरे साथ? कोई नया इंस्पेक्टर होगा, शायद उसको पता नहीं कि राज अपना आदमी है। अक्का शहर जानता है कि राज मेरा आदमी है। कौन है पुलिस ऑफिसर, उसे मेरे सामने लाओ। अगर राज को कुछ हो जाता तो मैं तो अपाहिज हो जाता। तुम्हें मालूम है राज सिर्फ मेरा आदमी नहीं तो मेरा बेटा भी है।
छोड़ो ना अभी डबला सेठ, जाने दो इन लोगों को। डबला सेठ फोन बज रहा है, डबला सेठ फोन 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 बज रहा है डबला सेठ। डबला साहब, राज को इस बात का पता चल चुका है कि उस पर हमला करवाने वाले आप हैं। आपके साथ मिलकर मैंने उस पर हमला तो करवा दिया, लेकिन अब उसे रोकने का वक्त नहीं मेरे पास। होशियार रहना, वो वहां पहुंचता ही होगा। किसका फोन था डाबला सेठ? किसका फोन था डाबला सेठ? ओ अपना। किसका फोन था डाबला सेठ? बेटे, बेटे मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं पागल हो गया था। बेटे मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ, याद है तुझे? तू कितना सा था, 8-10 साल का, तुझे मैं उठा के लेके आया था। बेटे डबला सेठ की इतनी सी गलती को माफ नहीं करेगा तू? पाप बेटे से माफी मांगते हुए अच्छा नहीं लगता डबला सेठ। बेटा बोलता है ना तू मुझे, फिर आज तुझे अपने बेटे से इतना डर क्यों लग रहा है? अच्छी तरह याद है मुझे, तूने 10 साल के भूखे बच्चे को खाना दिया था और उसके साथ एक पिस्तौल भी दी थी उसे। तब से लेकर आज तक मैं तेरे ही बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं डबला सेठ, मगर आज मैं वही पिस्तौल तुझे लौटा रहा हूं। अपना हिसाब किताब चुकता डबला। मुझे माफ कर दो भाइयों, बल्लू भाई से माफी मांगना। चल बल्लू भाई, ये भाग रहा था। इसने आपको भड़ुआ बोला है, यानी कि दल्ला। मुझे माफ कर दीजिए बल्लू भाई, मैंने आपको दल्ला नहीं कहा।
ए पकिया, मेरे को दल्ला बोल भी देता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं हूं ही ना, कुछ नई बात करता। मेरा यकीन कीजिए बल्लू भाई, मैंने नहीं बोला दल्ला। अरे मेरी सारी जवानी इधर दल्लेगिरी में गई, बल्लूवाड़ी में, फिर मैं इधर का मालिक बन गया। अब मैं मालिक बनूं या मंत्री, दल्ला हूं दल्ला ही रहूंगा। क्यों बे, मैं दल्ला हूं कि नहीं? दल्ला है। कह रहे मैं दल्ला हूं कि नहीं? तो सब लोग मेरे साथ बोलो, बल्लू दल्ला, बल्लू बल्लू दल्ला, बल्लू बल्लू दल्ला, 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 बल्लू बल्लू दल्ला, दल्ला बल्लू दल्ला। तो फिर तू क्यों चुप है, तू भी बोल, बल्लू दल्ला, दल्ला बल्लू दल्ला, 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 बल्लू बल्लू दल्ला। अब बता, मैं बड़वा हूं? क्या है? राजकुमार साहब का मैसेज आया। ए, क्या? राजकुमार बंबई आ रहा है टैक्स वसूल करने, और रॉनी साहब को इन्फॉर्म करने के लिए कहा है। रहा 60 लाख और रहा 10 लाख। हमरा तबेला के बाजू में जोन तबेला बा ना, वो है हमरा के छीने का है। मिस्टर रामलाल यादव, 10 लाख रुपए में तो रोनी मच्छर भी नहीं मारता, आदमी मानना तो बहुत दूर की बात रही। यूं तो गोली की कीमत बड़ी सस्ती होती है, लेकिन रोनी की रिवॉल्वर में आने के बाद उसकी कीमत 50 लाख रुपए हो जाती है। एक आदमी की कीमत 50 लाख? ये गोबर बेचकर इकट्ठा किया हुआ पैसा अपने खिसे में रख और दूध मलाई की कमाई निकाल। चल ब्रदर, बल्लू कुबड़ा का फोन आया था, कह रहा था कि राजकुमार बॉम्बे आ रहा है। क्या क्या कहा आपने? राजकुमार साहब बॉम्बे आ रहे हैं? तब तो समझो यादव का काम हो गया। अरे भैया, राज साहब हमारा से एक पैसा भी नहीं लेंगे और हमारा काम भी कर देंगे। दिल का बहुत धनी आदमी है, आप कुछ भी नहीं है राजकुमार के सामने। आप अपना रेट कम कीजिए, बड़ी बड़ी बात करके कोई बड़ा नहीं बनता है। बड़ा बनने के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है। देखिए आपके पीछे काया हुआ छोकरा है राजकुमार, कैसा आपको भटक करके आगे निकल गया और आप वहीं के वहीं रह गए। अरे भैया, मैं तो अपना माल लेके निकलता हूँ और जो कुछ काम है वो सब मैं राजकुमार से ही करवाऊंगा। जय राम जी की रोनी बाबू। इस हराम जादे ने हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मेरे भाई, जब से राजकुमार ने मेरी कुर्सी छीनी है, मेरा जीना हराम हो गया है। हमारे धंधे में मेरी कोई औकात ही नहीं रही, मैं राजकुमार का एक मामूली सा गुंडा बनकर रह गया। अब तो लिमिट से बाहर हो गया ब्रदर, राजकुमार को खत्म करना ही पड़ेगा। मौत से को बचा है जो ये हराम जादा बचेगा। वो यहाँ पर टैक्स वसूल करने आ रहा है ना,
लेकिन अपनी जिंदगी का टैक्स देकर जाएगा। एक बॉटल ब्लड ओ पॉजिटिव का और इंतजाम करो। सर यहाँ तो नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल से मंगानी पड़ेगी। पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, वो फास्ट। ओके डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, आप मेरा खून ले लीजिए ना। गुड, आप आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आज तो मैं राज साहब से मिल सकता हूँ ना? जी हाँ, आप जा सकते हैं। थैंक यू, वेलकम। आज की इस दुनिया में कोई किसी को एक ग्लास पानी तक नहीं पिलाता, फिर वो कौन है जो मुझे खून देने आया था? इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि वो इधर मेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है और मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। राज, यही वो इंसान है जिसने तुम्हारी जान बचाई है। नई जिंदगी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने नहीं, उसने। देखो दोस्त, ये जो अपनी दुनिया है ना, ये गिव एंड टेक का नाम है। इस दुनिया में आदमी बच्चा भी यही सोचकर पैदा करता है कि वो बच्चा उसके बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है। तुमने मेरी जान बचाई, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? देखिए, मैंने आपकी जान बचाकर दुनियादारी नहीं निभाई है, बल्कि इंसानियत का एक फर्ज अदा किया है। लेकिन दोस्त, आप मुझे अजय कह सकते हैं। और अजय, तुम भी मुझे तुम कह सकते हो। मेरे पास इस दुनिया में सब कुछ है अजय, सब कुछ। हाँ, कमी थी तो सिर्फ एक सच्चे दोस्त की कमी थी, वो भी आज तुमने पूरी कर दी। एक दोस्त मिलने की खुशी में मैं एक जश्न करना चाहता हूं, चलो मेरे साथ। तुमने मुझे दिन में जगह दे दी, बस यही काफी है। और रही बात तुम्हारे घर आने की, वो तो हम जरूर आएंगे। वादा? अपने घर आने के लिए वादा नहीं किया जाता। ओहो, वापस बंद पड़ गई यार अंटी से तेरी तो। साजन कैसा होगा? नहीं नहीं पंडित जी, पहले मुझे बताइए ना मेरा साजन कैसा होगा। बताता हूँ बालिके। अच्छा होगा ना पंडित जी? हाँ, इससे अच्छा होगा। एक दंत महाबुद्धि सत्यो गुणायक सर्व सिद्धि करो सेवा। ओ पंडित जी, सिर्फ लड़कियों को ही साजन के बारे में बताते रहेंगे,
अरे भाई जरा हमारा भी हाथ देखिए और ये बताइए कि हमें अपनी सजनी कब मिलेगी। लड़की को इसका साजन मिल गया क्या? माता के दरबार में आके कोई खाली हाथ नहीं जाता, मिल जाएगा उसको भी उसका साजन। मतलब नहीं मिला? अरे वाह,
बिजली हो रही है, खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, वक्र गति है कार्ड की। खूब दक्षिणा दूंगी तुमको, फिक्र करो मत माल की। हाँ, खूब दक्षिणा दूंगी तुमको, फिक्र करो मत माल की। अब तक साजन मिला नहीं, जो हुई मैं 16 साल की, हुई मैं 16 साल की। पंडित जी, 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 पंडित जी। हरिओ, अब लो मैं उपचार बता दूं, एक नहीं दो चार बता दूं। जितनी बड़ी दक्षिणा होगी उतनी जल्दी अच्छा रोगी। पिया मिलन का जाप करा दूं, चट मंगनी पट ब्याह रचा दूं। भाग्यवती भाव पुत्रवती भाव, भाग्यवती भाव पुत्रवती भाव, मंगलमय आशीष दिला दूं, आशीष दिला दूं। जब फिक्र नहीं है माल की तो हाथी घोड़ा पाल की। जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। हरिओम हरिओम, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। कहाँ खो गए बेटा? पंडित जी, वो राजकुमार का घर कहाँ है? तुम सही रास्ते पर जा रहे हो बेटा, उसी तरफ राज साहब का बंगला है। उस तरफ? ओ, मतलब उस तरफ। हाँ 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 हाँ, पहुंच गया। इस वक्त वो मेरे सामने ही खड़ा है। हाँ ठीक है ठीक है। तावड़े, तेरे डिपार्टमेंट में मैंने सबको खिलाया ना? हाँ, तुझे मालूम है ना तावड़े, इस एरिया में जितना भी सोना उतरता है वो सिर्फ मेरा उतरता है, मालूम है ना तुझे? जी राज साहब। फिर क्यों तूने कुछ माल उतारने वालों को धमकी दी? ऐसा मेरी बात तो, आज के बाद सोना तू उतारेगा, समझा? चल जा। राज। अजय। ए मेरे दोस्त, मेरे यार। कैसा है तू? अरे मैं एकदम ठीक हूँ यार, तू बता तू कैसा है? बिल्कुल फिट। तेरे खून की लाली मेरे चेहरे पर नजर नहीं आ रही? लाली से ज्यादा तेरे चेहरे पे दिल की खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा तूने, और तू बिल्कुल सही वक्त पर आया है। तुझे मालूम है मैं शादी करने वाला हूँ? तू शादी कर रहा है? क्या बात है यार, कौन है वो खुशनसीब? वो यही है, वो यही है। अरे यार हमको भी तो मिलवा। एक मिनट अजय, बात यह कि वो मुझसे नाराज है यार। ए भाई 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 भाई, ये दिल का मामला है यार, टूटे हुए सनम को मनाना बड़ा आसान काम है। उसकी तारीफ करते यार, कोई तोहफा खरीदे, दो मीठे बोल बोल दे यार, नाराजगी फिनिश। अजय तू बोल तो बिल्कुल सही रहा है, मगर मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। अरे यार मैं आ गया हूँ ना, देख तेरी जान को कैसे बनाता हूँ, तू चल यार। अरे चल ना यार। भाई साहब इसे अच्छी तरह पैक कर दीजिए, तब तक हम दूसरा सामान देख लेते हैं। श्योर श्योर। अजय। हाँ। मिल गया। क्या? ये देख, ये कैसा रहेगा? अरे यार फर्स्ट क्लास है यार, इससे अच्छी प्यार की निशानी और क्या हो सकती है, इसे ले ले यार। एक काम करो, इसको पैक कर दो। सॉरी सर, दिस इज ऑलरेडी बॉट बाय दैट जेंटलमैन। ये क्या है भाई शाह हाक रहा है? कह रहा है उसको भेज दिया। उनको कोई दूसरा पीस दे दो। सॉरी सर, दिस इज द लास्ट पीस। एक काम करो, इस चीज की दुगनी कीमत ले लो। आई एम सॉरी सर, दिस इज अगेन सद्गुरुस पॉलिसी। चल यार कुछ और देख लेते हैं। हाँ यार अजय, कितनी खूबसूरत चीज है ना। हाँ वो तो है। ओह नो, What have you done, sir? ये क्या कर दिया? गलती हो गई, हाथ से फिसल गया। कितने पैसे बताए थे? कितने पैसे बताए थे इसने? बहुत महंगा था। कोई बात नहीं,
काफी है बख्शिश। चलो अजय। अरे संभाल कर, नहीं तो ये भी टूट जाएगा। टूट जाएगा? अबे साले, तूने वो ताजमहल जानबूझकर तोड़ा है ना? साला मान ही नहीं रहा था, क्या करूं यार। मगर अच्छी बात नहीं, गंदी बात है। क्या अच्छी बात नहीं? देख अजय, इस दुनिया में मुझे जो भी चीज अच्छी लगती है ना, मैं उसे हासिल करके रहता हूं, फिर चाहे मुझे उसकी दुगनी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जो चीज मुझे पसंद है, मतलब मुझे पसंद है यार। मगर हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती ना। तो क्या हुआ, बर्बाद तो की जा सकती है ना यार। देख, जो चीज मुझे नहीं मिलेगी, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। खत्म। साला अंग्रेजी झाड़ रहा था, अगेंस्ट आवर पॉलिसी। उसको क्या मालूम है कि पुलिस भी अपनी है और पॉलिसी भी अपनी। एक बात बताएगा? बोल। ये क्या बोल रही है यार? इंग्लिश। वन मोर इंग्लिश। वन मोर इंग्लिश। एक मिनट, चेंज द म्यूजिक। वन मिनट, एक मिनट, एक हिंदी, सिंग हिंदी। व्हाट आर यू डूइंग? इंग्लिश गाना क्या गा रही है यार? कोई हिंदी गाना आता है? हिंदी? हाँ। हमको हिंदी नहीं आता। हमको हिंदी नहीं आता है? अभी आएगा, एक मिनट में आएगा। आ गया ना हिंदी? आ गया ना? देखो वो है ना, वो देखो वो आदमी, उसके लिए कोई अच्छा सा गाना गाओ ना। हम बोलेगा वो, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। शुरू करो। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। सही है। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। बात सुनिए अजय, अजय, अजय। हाँ, थोड़ी सी और पी लूँ मैं। अबे यार, कितना और तू पिएगा? हम दोनों में से कोई तो इस काबिल रहे कि घर तक पहुंच सके। तू डरता क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। मैं जहां भी जाता हूं ना, रास्ता अपने आप बन जाता है। तू देख, आज मैं तुझे घर तक कैसे ले चलता हूं। चढ़ी है तुझको मैं उतार।
झलक क्या तेरे बाप की है? नहीं बाबा नहीं तेरे बाप की है। ये सड़क क्या तेरे बाप की है? अरे नहीं बाबा नहीं तेरे बाप की है। ये देख। अरे वाह मेरे यार, क्या कमाल की तस्वीर बनाई है। एक मिनट। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना अच्छा आर्टिस्ट भी है। नहीं यार, पेंटिंग मेरा पेशा नहीं, शौक है, ऐसे ही बना लेता हूँ। एक बात तो बता, क्या मैं वाकई में इतना अच्छा लगता हूँ या ये तेरे हाथों का जादू है? नहीं यार, मेरी नजरों में तो मेरा यार इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, थैंक यू यार। यही तो है वो, चल तुझे से मिलाता हूं। गणेश संभाल कर पकड़ना। काजल, काजल इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं अजय। हेलो। ये सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं है, मेरे भाई हैं। इन्होंने मेरी जान बचाई है, मुझे अपना खून दिया है। अरे यार, तू तो मेरी तारीफ किए जा रहा है, जरा इनकी भी तो तारीफ कर। इनकी तारीफ बस इतनी सी है कि ये मुझे बहुत चाहती हैं और मैं भी इन्हें बहुत चाहता हूं। ये क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? मेरे दोस्त की बनाई हुई तस्वीर गिरा दी तूने? छोड़ दे यार। मालूम है, ये तस्वीर मुझे अपनी जान से ज्यादा कीमती है। मालूम है, जान से मार दूंगा मैं तुझे आरामजादे। आज राज, अगर तुझे अपनी दोस्त की तस्वीर इतनी प्यारी तो तू अपनी दोस्त की बात नहीं मानेगा? छोड़ दे यार, जा यहां से। राज तो गुस्सा बहुत होता है यार, तू बोल तो एक और तस्वीर बना दूं। यार अजय, एक काम करेगा, बोल। काजल की एक तस्वीर बनाएगा, मैं उन दोनों तस्वीरों को इस हॉल में लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा प्यार और मेरे दोस्त की निशानी हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। बस इतनी सी बात? अरे फिर तू देख, मैं ऐसी तस्वीर बनाऊंगा कि सारी जिंदगी भर तू इस दोस्त को याद रखेगा। सच? हाँ यार। Thank you.
देखिए, अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो मैं आपकी मुस्कुराती हुई तस्वीर कैसे बना सकता हूँ? और वैसे भी आपके होने वाले पति राजकुमार। राजकुमार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना तो वो मेरा होने वाला पति है, ना मैं उसकी मंगेतर और ना ही गर्लफ्रेंड। ये क्या कह रही हैं आप? राज तो कह रहा था कि वो आपसे, कि वो मुझसे शादी कर रहा है। नहीं ना, उसने आपसे ये नहीं कहा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। उसने आपसे ये नहीं कहा कि मैं यहाँ खुद नहीं आई, बल्कि धोखे से लाई गई हूँ। मेरे मामा मुझे नौकरी के बहाने राजकुमार के यहाँ ले आए, पर मुझे क्या पता था कि मैं एक अय्याश इंसान के हाथों बेच दी गई हूँ। राजकुमार के जुल्म मुझ पर बढ़ते गए, मैंने कई बार भागना भी चाहा, मगर नाकाम रही। कैद करके रखा है मुझे यहाँ, खिलौना बन के रह गई हूँ। एक ऐसा खिलौना जो ना तो अपनी मर्जी से हंस सकता है, ना रो सकता है। घुट घुट के जी रही हूं मैं यहाँ, और आप कहते हैं कि मुस्कुराऊं, हंसूं, ताकि आपकी तस्वीर अच्छी बने। कैसे मुस्कुराऊं मैं, बोलिए, कैसे मुस्कुराऊं, कैसे मुस्कुराऊं? राज, एक बात बोलूं? हाँ बोल। तू बुरा तो नहीं मानेगा ना? आज तक तेरी किसी बात का बुरा माना है क्या? हाँ, ये ले। यार, शादी करना अच्छी बात है, पर लड़का लड़की दोनों की मर्जी होनी चाहिए। हाँ। राज, तुझे लगता नहीं कि तुझे काजल की? एक मिनट, एक मिनट। यार, अपनी दोस्ती में ये लड़की कहां से आ गई? देख अजय, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं। तू अपनी दोस्ती की बात करना दोस्त, ये लड़की वड़की की बातें तू भूल जा। और रही शादी की बात, वो मैं संभाल लूंगा। मैं अभी आया। क्या सोच रही हो? अभी तक नाराज हूं मुझसे? इस हिरन को देख रही हो? इसने भी मुझसे भागने की बहुत कोशिश की थी, बहुत छुपना चाहता इसने अपने बचाव के लिए। मेरे निशाने से बचने की हर कोशिश की, मगर अंजाम आग पर चल रही है। बेचारे काजल, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपना हाथ मुझसे हाथ छुड़ाती है, मुझसे हाथ छुड़ाती है। अब छुड़ा, छुड़ा, अब क्या हुआ? छुड़ा, अब क्यों नहीं छुड़ाती? राज, राज, छुड़ा। क्या कर रहा है राज? राज, हाथ छोड़ दे राज, हाथ छोड़ दे राज। नहीं नहीं, ये खुद छुड़ाएगी। राज, तुझे मेरी कसम राज। राज, ये तो काजल के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। तो क्या करूं मैं उसके साथ? अपने सर पर बिठा लूं मैं उसे? हाँ, ये तू नहीं, तेरी हार बोल रही है, इसलिए कि तू काजल का दिल जीत नहीं पाया। या तो ये समझ ले, तुझे काजल का दिल जीतना ही नहीं आया। देख अजय, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी हार नहीं देखी, और रही दिलविल की बात, वो मेरे समझ से बाहर है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तू जा रहा है? क्यों, बस भर गया तेरा दिल? दिल भर नहीं गया, दिल मर गया। तेरा ये सलूक देकर मेरा दिल मर गया, इसलिए मैंने जाने का फैसला कर लिया है। फैसला कर लिया तूने? तो ठीक है, जा। कल क्यों? आज चला जा, अभी चला जा, इसी वक्त चला जा। मालूम है तुझे, जब तू मुझे मिला तो
मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा भी इस दुनिया में कोई है। मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूं, अगर नहीं मैं अकेला था, अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा। नहीं जरूरत मुझे किसी की। क्यों बचाई थी मेरी जान तूने? तड़प तड़प कर मरने दिया था मुझे सड़क पर। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा यहां से, जा। नहीं जरूरत मुझे किसी की, किसी की जरूरत नहीं मुझे। राज, समझने की कोशिश कर यार। नहीं जा रहा ना तू? अजय, मुझे मालूम था तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। उससे वादा कर अजय, आज के बाद मुझे छोड़कर जाने की बात कभी नहीं करेगा। वादा कर मुझसे। यार राज, मैं भी तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं भी ये दोषी नहीं तोड़ना चाहता, मगर तू मुझे मजबूर कर रहा है यार। ये अपनाने का तरीका नहीं है राज। अजय, तू मुझे छोड़कर मत जा। मैं अकेला नहीं रह सकता। देख, तेरे रहने की खुशी में मैं इतनी बड़ी पार्टी करूंगा, इतनी बड़ी पार्टी करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रहेगी। बस तू मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा। अजय, मुझे छोड़कर मत जा।
सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? मगर टकराए तो आप हमसे भाई। हम टकरा सकते हैं, तुम नहीं टकरा सकते। अच्छा भाई सॉरी यार, चलो माफ कर दो। माफ कर दो सॉरी, हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगो। बहरे हो, सुनाई नहीं देता क्या? माफी मांगो, हमने कहा। क्या हुआ कार्टन? हुआ क्या? क्या हुआ? अरे यार बस ऐसे ही पिया हुआ है थोड़ा सा। ऐसे ही बदतमीजी किया इसने, माफी नहीं मांगता हमसे। दो टके का इंसान है ये। hey, एक मिनट कार्टन, मुझे लगता है तुमने ज्यादा पी लिए। चलो चलो छोड़ूंगा, चलो नहीं तुझे, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं उसको, कार्टन? नहीं छोड़ूंगा उसको, उसने मुझे धक्का दिया। कार्टन, अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दे उसे। ऐसे कैसे माफ कर दे? जब तक वो मेरे पांव पर नाक रगड़कर माफी ना मांगे मैं उसको माफ नहीं करूंगा। वो मुझे जानता नहीं, मैं रॉनी डिमेलो का भाई, कार्टन डिमेलो, कार्टन डिमेलो। मेरी तरफ देख, मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी पार्टी में ऐसा करेगा तू? चल जा, जा, अपने मुंह पर कुछ पानी डाल, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ूंगा नहीं उसको, नहीं छोड़ूंगा उसको, उसने मुझे धक्का दिया उसने मुझे, नहीं छोड़ूंगा उसको, गोली मारूंगा उसको, जान से मारूंगा उसको, उसने मुझे धक्का दिया, मारूंगा मैं उसको। क्या बोला तू? गोली मारूंगा उस साले को। कार्टन, मधु, ये रिवॉल्वर तुम्हारे पास रखो, ये खून तुमने किया है, समझे? जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. My son, आखिर कब तक तुम बॉडी को रोक के रखेगा? इसको ले जाने दो। नहीं फादर, नहीं, ये मेरा भाई नहीं, कलेजे का टुकड़ा था। जब तक इसको मारने वाला मर नहीं जाता, फादर इसकी बॉडी यहां से नहीं जाएगी। मेरे भाई की तरफ आंख उठाने वाले की मैं आंख छीन लेता था, उसकी तरफ जो हाथ उठता था मैं उसका हाथ छीन लेता था। मेरे भाई की जान छीनने वाले की जान छीननी है मुझे फादर, जान छीननी है। भाई, कार्टन बाबा के कातिल को पुलिस आज जेल ले जा रही है। कैसा चल रहा है सब कुछ? बस आपकी दुआ है हुजूर। अरे यहाँ नहीं बल्लू, यहाँ बैठो ऊपर। नहीं 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 सरकार, मैं अपनी औकात में रहूं तो ही अच्छा है। हुजूर, अगर मैं सुधर गया
तो बल्लुवाड़ी की लड़कियों की देखभाल कौन करेगा? हुजूर, आजकल के जमाने में घर में एक भी लड़की जवान हो जाए तो बाप का कलेजा फटता है। मैं तो 60-60 लड़कियों की देखभाल करता हूँ, है कि नहीं मर्दिया औलाद? हुजूर माफ करना, आपको फोन किए बिना चला आया। बल्लुवाड़ी में एक नई लड़की आई है, सोचा आपके दर्शन करा दूं। उसको वापस ले जा और हो सके तो यहां फिर मत आना बल्लू। हुजूर, इस कुत्ते से कोई गलती हो गई क्या? नहीं बल्लू, तू गलत समझ रहा है। दिल भर गया इन सब चीजों से, जिंदगी में बहुत ऐश कर ली, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। अब तो सिर्फ एक ही के साथ जिंदगी गुजारनी है। बल्लू, मैं शादी कर रहा हूं। अरे मुबारक हो हुजूर, मुबारक हो। देखना हुजूर, आपकी शादी में बल्लू कैसे डांस करता है। हुजूर, अच्छा चलते हैं, चलते हैं हुजूर। शादी के लिए रजामंद कर ली, हुजूर ने एक लड़की पसंद कर ली। काजल, हो गई ना तुम्हारी रात को रंगीन करने का इंतजाम? आ गई तुम्हारी हवस की आग बुझाने वाली? यही चाहिए ना तुम्हें? तो फिर मुझसे ये शादी का नाटक क्यों? तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना अपनी हवस की आग बुझाने के लिए? नोच लो कुत्ते की तरह मेरा शरीर, बुझा लो अपनी आग को। आओ नोचो, नोच लो मुझे। आज मेरी मुस्कुराती हुई तस्वीर नहीं बनाओगे? नहीं काजल, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान मैं देख नहीं पा रहा हूं। चेहरे के निशान तो तुमने देख लिए, दिल पर लगे निशान कौन देखेगा? मैंने रात से बात करने की कोशिश की काजल, लेकिन उसे मुझे इस मामले में बोलने से मना कर दिया है। मतलब वही सब होगा जो राजकुमार चाहेगा? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो अजय कि जो कुछ भी राजकुमार कर रहा है सही कर रहा है। क्या मैं गलत हूं? एक बार, सिर्फ एक बार इतना बोल दो अजय कि काजल राजकुमार से शादी कर लो, मैं हंसते हंसते उससे शादी कर लूंगी। काजल, मेरी खामोशी को मेरी बुजदिली मत समझो। अब तुम इसे मेरी हमदर्दी समझो, या फिर मेरी, या फिर कुछ कहने से डरते हो? कुछ कहने से नहीं, इस इल्जाम से डरता हूं कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ गद्दारी की। ये तो दुनिया कहेगी, तुम्हारी अपनी नजर में क्या है? बोलो अजय, बोलो तुम्हारी अपनी नजर में क्या है? बोलो। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बनी है तो इसलिए नहीं कि मैं तुम पर तरस खाता हूं, बल्कि इसलिए कितनी मुसीबतों, इतनी तकलीफ के बावजूद भी तुम झुकी नहीं और नहीं अपनी पवित्रता पे दाग लगने दिया। काजल, वाह कमाल कर दिया तूने अजय, तस्वीर तो तूने बहुत अच्छी बनाई है, बस एक गड़बड़ हो गई यार। काजल के आंचल से तू अपना नाम मिटा दे, काजल के आंचल पर मैं किसी का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे आइए आइए पंडित जी आइए। क्यों बेटे, अचानक किस लिए बुलाया मुझे? पंडित जी मैं शादी करना चाहता हूं, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, अपनी जन्म कुंडली तो मंगाओ। पंडित जी
अपने जन्म का तो मुझे होश ही नहीं, और कुंडली बनाने की जरूरत आज से पहले कभी पड़ी नहीं। मगर हां पंडित जी, अपनी भाग्य की रेखा खुद मैंने अपने हाथों से बनाई है। मगर बेटा, तुम्हारे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है। शादी की रेखा ही नहीं, यह कैसे हो सकता है पंडित जी? वैसे कहां होती है शादी की रेखा? यहां होती है शादी की रेखा। क्या होती है? पंडित जी, बन गई ना रेखा, अब कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए। बेटा, दो दिन बाद कोई भी दिन शुभ है। तो फिर मैं तीसरे दिन शादी करूंगा। तो फिर मैं तीसरे दिन शादी करूंगा। ये तुमने गलत फैसला किया है। तो फिर कौन सा फैसला करूं मैं? ना तो मैं उसे चाहती हूं, ना मैं उसके मंगेतर हूं, ना बीवी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक तरीका है, या तो मैं अपनी जान दे दूं, या फिर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी चाहत तुम्हारी दोस्ती के सामने कोई अहमियत नहीं रखती। बस ऐसा ही समझ लो काजल, इसके आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जो दिल कहता है वो करो, जो जमीर कहता है वो करो, जो मोहब्बत कहती है वो करो। Not just love.
काजल। हाय। अजय, तुमने तो मुझे डराई दिया था। कब से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ चले गए थे? सो चुका गया था। बताओ ना, कहाँ गए थे? पंडित के पास, हमारी शादी के लिए। क्या शादी? हाँ, कल का मुहूर्त निकला है, कल हमारी जिंदगी की नई सुबह होगी। ये देखो क्या लाया मैं तुम्हारे लिए। काजल, काजल कहाँ खो गई थी? अपनी छोटी सी दुनिया में, जहां प्यार होगा, सिर्फ प्यार। मुझसे बचकर, तू जानता है जब मैं अच्छा हूं तब मैं बहुत अच्छा हूं, और जब मैं बुरा हूं तब मैं बहुत बुरा हूं। बुरा बनाया है तूने मुझे, क्यों? अगर छुरा मारने का इतना ही शौक था तो एक बार बोला होता, एक बार सीधा तान कर तेरे सामने खड़ा हो जाता मैं, लेकिन नहीं, नहीं, पीठ पे छुरा मारा है तूने, मेरी पीठ पर चुरा मारा है तूने। अपना भाई समझता था, लेकिन तू मेरा भाई नहीं है, कोई नहीं है तू मेरा। याद है तुझे मैंने तुझे क्या कहा था? अजय, काजल की आंचल से अपना नाम मिटा दे। तूने उसकी आंचल से अपना नाम मिटाकर उसके दिल पर अपना नाम लिख दिया। बहुत प्यार करती है तुझसे, ये देख, देख। जैसा एहसान फरामोश नहीं हूं मैं। कल दुनिया यह ना बोले कि जिस अजय ने राजकुमार को खून दिया था उसी राजकुमार ने अजय का खून कर दिया। खून दिया था ना तूने मुझे, अपना खून दिया था ना तूने मुझे। ये ले, ये ले, ये ले तेरा खून, ये ले तेरा खून, ये ले तेरा खून। चल, क्या समझी मुझसे भाग कर जाएगी? चल, चल, आज के बाद तो यही रहेगी इसी चार दीवारी के अंदर, समझे? मोहब्बत और खुशबू को कैद करके रखने वाले नाकाम हुए हैं राज साहब। तू अजय का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि मैं तुझे चाहता हूं, और मैं जिसे चाहता हूं ना उसे हासिल करके ही रहता हूं। तेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? तूने तो पहले भी बहुत कुछ चाहा था, अपने जुल्म से मेरे दिल को जीतना चाहा, नहीं जीत पाया। तू सिर्फ मेरे लिए जिंदा है, सिर्फ मेरे लिए, और आज तेरी इज्जत के साथ खेलकर मैं ये साबित कर दूंगा कि तू मेरी है, सिर्फ मेरी है तू। नहीं। चल। नहीं। छोड़ दे मुझे। देखा, देखा तूने कितना आसान है तुझे पा लेना, कितना कम फासला रह गया तुझ में और मुझ में। अगर मैं चाहूं
तो अभी और इसी वक्त तुझे हासिल कर सकता हूं, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं। इतना बुजदिल नहीं हूं मैं तेरा वो हाल कर दूंगा कि तू खुद मेरे पैरों में गिर के मेरे प्यार की भीख मांगेगी, मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ने की भीख मांगेगी। तू अभी तक तूने मजबूरी देखी कहां? मैं तुझे मजबूरी दिखाना चाहता, तब तुझे एहसास होगा कि मैं तुझे कितना प्यार करता था, कितना ऐशो आराम देना चाहता था मैं तुझे। तब रोएगी तू, तब रोएगी तू। चल चल मेरे साथ, चल। आखिर राजकुमार के हाथों में आई गए ना तू। अरे उस लौंडे के साथ भागकर क्या फायदा हुआ तेरा, बेवकूफ लड़की। अरे राजकुमार से भी शादी कर लेती और अंदर ही अंदर अपने यार से चक्कर भी चला लेती तो किसी को क्या पता चलता था, दोनों खुश। खैर यह हुआ सो हुआ, अब तो बल्लुवाड़ी में आ गए, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। काजल क्यों रो रो के अपनी आंखों से काजल बहा रही है तू? यहां तेरे ऊपर कोई नहीं दया करेगा। राजकुमार साहब की बात मान ले, माला माल हो जाएगी, यहां रहेगी तो छिनाल हो जाएगी। तू जानती नहीं है मैं बड़ा हरामी आदमी हूं, अपने बहन का सौदा करके इस धंधे में आया था मैं, फिर तू किस झाड़ की बत्ती है? मैं चुप हूं सिर्फ राजकुमार साहब की वजह से, वरना बाहर झांक कर देख, हवस के भूखे कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं, अंदर छोड़ दिया ना तो नोच नोच कर खा जाएंगे तुझे, तेरी ये खूबसूरत जवानी एक हफ्ते में पूरी तरह मुरझा जाएगी। अभी भी वक्त है, सोच ले। मैं जाता हूं, धंधे का टाइम है ना, सोच ले। फंस गया। प्यार करके मौत के जाल में फंस गया वो हराम ज्यादा राजकुमार। हमारे धंधे के अंदर जो इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाता है ना, उससे बड़ा मजबूर इंसान और कोई नहीं होता। प्यार करके, अरे तूने अपने आप को बहुत कमजोर बना लिया राजकुमार, अब मेरे मारने से पहले ही तू मर जाएगा।
अरे फिर तू देख, मैं ऐसी तस्वीर बनाऊंगा कि सारी जिंदगी भर तू इस दोस्त को याद रखेगा। क्यों बे, बहुत गर्मी थी तेरे जिस्म के अंदर, हाँ अब तेरे जिस्म की सारी गर्मी निकल जाएगी। ले गरम गरम दूध लाया हूं तेरे लिए, ये गरम गरम दूध पी ले और नखरे वगैरह छोड़ दे। देख बल्लू तेरे कितने खातिर कर रहा है, तूने पानी मांगा, मैंने गरम दूध लाके दिया, आखिरकार तो हमारे राजकुमारी है ना। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है, कच्चा खाएगी क्या मेरे को, खा ले, मैं नजदीक आता हूं, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले, पहले सर को खा, अपनी जिद पर अड़ा नहीं करते समझे, तेरे लिए खास दूध लाया हूं, मलाई मार के ले पी ले पी ले। देख गरम गरम दूध गिरने से मेरा हाथ कितना जल गया, देख जब आदमी के जिस्म पर कोई गरम चीज गिरती है ना तो उसे कितनी तकलीफ होती है, बताऊं तेरे को, बताऊं तेरे को। चिल्लाओ चिल्लाओ, तकलीफ होती है ना, पानी में जले, पानी में जले मेरा गोरा बदन, पानी तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है, चलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, धटिंग तटक दिन धटिंग तटक, तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, प्यार की आग में तन बदन जल गया जल गया जल गया। नहीं सरकार नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं सरकार, वो तो प्यार की भूखी है, और प्यार किस चीज से खाते हैं हमें तो पता ही नहीं, आप वहां आइए और उसे प्यार से समझाइए। सरकार आदमी जैसे शराब में टाइट हो जाता है ना, वैसे प्यार में एकदम लूज पड़ता है, उसका फ्यूज उड़ गया है सरकार, आप उसकी तार बनो और रोशनी लाओ, बस मेरी बात मान लीजिए, आप मेरे साथ चलिए उसे समझाइए प्यार से, चलिए। एक मेरा घर था जहां हर ऐशो आराम थे, वो बुरा है, और यहां पड़ी पड़ी सड़ रही है ये अच्छा है। मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहता था, वो बुरा है, और यहां हर मर्द तुझे हवस की नजर से देखता है ये अच्छा है। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे यहां, वो शानो शौकत, वो रुतबा, वो हीरे जवाहरात, कुछ नहीं। गाली देने का मन कर रहा होगा ना तेरा, मुझे गाली देने का मन कर रहा होगा ना तेरा, मगर मुझे गाली मत देना, अपने आप को गाली देना, क्योंकि यह तू मेरी वजह से नहीं है,
खुद अपनी वजह से, अपनी वजह से। समझती क्यों नहीं, समझती क्यों नहीं तू? मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि तूने मुझे यहाँ भेजकर कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी मैं काजल ही रही। लेकिन तू, तू राजकुमार नहीं रहा, तूने तो अपना नाम इन भड़वों की लिस्ट में शामिल कर लिया। कल तक डिस्चार्ज हो सकता है। इसे तो फौरन इमरजेंसी वार्ड लेकर जाना पड़ेगा। चलो जल्दी करो, हरिया जल्दी। एक ही दुश्मन है। गलत। राजकुमार तेरा एक दुश्मन नहीं, दो दुश्मन है। एक है वो मजनू की औलाद अजय, और दूसरा है ये रानी। अच्छी खबर सुनाई, अच्छी खबर सुनाई डैनी, बैठ। अजय के फरार होने की बहुत अच्छी खबर सुनाई, उसे ढूंढो। क्यों रो रहा हूं? तेरी मां मर गई होगी। वो तो मुझे पैदा करते ही मर गई थी।
बेचारी जी कर भी क्या करती। अरे मूर्ख लड़की, मेरी माँ की फिक्र छोड़, तेरे यार की फिक्र कर। वो अजय को राजकुमार ने पुलिस के हवाले कर दिया था, वो बेवकूफ पुलिस के चंगुल से भाग निकला है। देखा, अजय जिंदा है। मेरा अजय जिंदा है, मुझे मालूम था, मालूम था मुझे, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा था कि मेरे अजय को कुछ नहीं हो सकता और वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। अरे बेवकूफ लड़की, इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। वो पागल तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया ना, तो खाम खाम मेरे हाथ से उसकी मौत हो। बल्लू! अरे बाप रे, तूने मुझ पे बहुत जुल्म किया है बल्लू, पर मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा। मगर खबरदार, अगर तूने मेरे अजय को कुछ कहा तो, अरे तू और तेरा राजकुमार क्या मारेगा मेरे अजय को। तूने अभी देखा नहीं बल्लू कि प्यार में कितनी ताकत होती है। देखेगा, बहुत जल्द देखेगा तू। अजय, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी दर्द भरी हकीकत सुनकर सच पूछो, मेरा दिल भरा आया। राजकुमार ने काजल को कहां छुपा रखा है यह तो मैं नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि उस तक पहुंचने का कठिन रास्ता मैं जरूर आसान कर सकता हूं। रास्ता कितना भी कठिन हो रोनी साहब, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने का हौसला है। बस मुझे सिर्फ इतना पता चल जाए कि मेरी मंजिल कहां है। काजल का पता राजकुमार के प्यादों से मिल जाएगा, उन तक पहुंचने की तैयारी करो, मैं बताता हूं कि वो कहां है।
करती हसी नजोरी, देखो देखो कस करती हसी नजोरी, छोरी रच छोरी रच छोरी रच छोरी छोरी रच छोरी रच छोरी रच काजल कहाँ है? बता काजल कहाँ है? काजल कहाँ है? बल्लू वाड़ी
अजय ने मेरा क्या हाल किया, अपाहिज बना दिया मुझे। वो बल्लूवाली जा रहा है, उसे रोक ले, उसे रोक ले, रोक ले उसे। अजय काजल के लिए इतना पागल हो जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। उसकी दुश्मनी आपके साथ थी, इन बेचारों ने क्या किया था, उसने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। इट्स वेरी सैड। अल्लू, वो काजल की तलाश में तेरी वाड़ी जरूर आएगा, तू उसे मेरे लिए जिंदा रखना बल्लू, जिंदा रखना उसको।
माफ करना भैया, गलत टाइम पे अंदर घुस गया। चिपको चिपको, अरे डरो मत चिपको, इधर यही होता है चिपको। देख देख अपने यार को देखकर कैसी लाली आ गई इसके चेहरे पर, और राजकुमार को देखकर इतना सा मुंह बना दिया साली। और तू तू क्या समझता है, बल्लू कुबड़े की आंखों से तू काजल चुरा लेगा? अबे तेरी तो देख बल्लू, मुझे काजल को यहां से ले जाने दे। मेरे सर पर खून सवार है और मौत का खौफ मेरे दिल से निकल गया है, और जो आदमी मौत से नहीं डरता वो खतरनाक होता है। या तो वो अपनी जान दे देता है, या तो किसी की जान ले लेता है। अपने आदमियों से कहते यहां से चले जाए। पागल मत करो, मेरी जान पे बनाई, हटो। हटो हटो हटो, पागल बन गया, हट जा, हट जाना। Chana 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 ch
साहब, बल्लू की यह पहली और आखिरी गलती है। मेरी बात मानिए, यह मेरी गलती है, मैं मानता हूं। वो लड़का काजल को लेकर भाग गया, वो भी बल्लू की छाती पर पैर रखकर। राज साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा। मैं उस हरामजादे को इधर लेकर आऊंगा बल्लूवाड़ी में, उस कुत्ते के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इधर बल्लू, याद है तुझे जब तू पहली बार मेरे पास आया था तो तूने मुझसे क्या कहा था? तूने मुझसे कहा था कि तू एक एक लड़की की दलाली करते करते थक गया है, मैं तुझे एक बल्लूवाड़ी बना के दूं। तेरे लिए मैंने पुलिस को संभाला, तेरे को यह बल्लूवाड़ी बना के दी, तेरे को यहां का दादा बनाया। इसके बदले में मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ मांगा? मांगा है तुझसे कभी कुछ? नहीं सरकार, सिर्फ एक चीज,
मैंने तुझे उस काजल को संभाल कर रखने को कहा था और तू एक लड़की को संभाल नहीं सका नामर्द। आवाज नीचे रख के बात करो। इधर आओ, इधर आओ। चुड़िया निकालो अपनी। दोस्त को ये ले। साड़ी लाओ उसके लिए। कचरा पहनाओ उसको और सजा धजा कर यहां बैठाओ। धंधा कराओ उससे। खुल्लो, तू यहां का दादा नहीं है, फड़वा है। तू फड़वा है यहां का। मेरे भाई को राजकुमार ने मारा था। बल्लू, ये बात तूने मुझसे क्यों छुपाई? इतने दिनों से क्यों नहीं बताया बल्लू? मुझे ये बात क्यों नहीं बताई बल्लू? तूने बताया, तूने क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कैसे बताता रोनी, कैसे बताता? अरे भाई तेरा था किधर? मेरे गले में तो राजकुमार का पट्टा बंधा हुआ था। वो पैसे भेजता था, मैं उसके पांव चाटता था। वो पुचकारता था, मैं दुम हिलाता था उसके सामने। राजकुमार के पैर चाटने से अच्छा होता मैं किसी गटर का पानी पीता। याद है मुझे वो दिन, जिस दिन राजकुमार ने तेरे भाई पर गोली चलाई। तेरा भाई बहुत तड़पा बोला, राजकुमार मैं तेरा छोटा भाई हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन राजकुमार ने एक नहीं सुनी, उसने एक के बाद एक कई गोलियां उसके सीने में गाड़ दी और तेरा भाई बस बस मैं अपने भाई की मौत कभी नहीं भूलूंगा। अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है राजकुमार। राजकुमार, जो शतरंज की बाजी तू खेल रहा है, अब देखना मैं तुझे कैसे खत्म करता हूं। रानी, तुझे राजकुमार बनना था ना, ये तेरा सबसे बड़ा सपना था ना रानी। जा, आज से तू राजकुमार बन गया रानी। मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा है। तूने अजय और काजल को पकड़कर मुझे खबर दी, दोस्ती निभाई है रानी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अजय की मौत और काजल की मोहब्बत चाहिए रानी। नहीं राजकुमार, नहीं, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। गुस्सा मुझे भी आया था जब मुझे पता चला था कि मेरे भाई का खून तूने किया था। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है, जरा ठहरो सज्जन मजबूरियां है। तेरी तमन्ना थी ना कि कुबड़े को चूड़ियां पहनाए, साड़ी पहनाए। अब देखना तुम, ये कुबड़ा तुमको कैसे साड़ी पहनाता है, कैसे चूड़ियां पहनाता है। नहीं राजकुमार, नहीं। मैंने कहा ना कि गुस्सा नहीं, हमने यहां पर तुम्हें ताकत दिखाने के लिए नहीं बुलाया है, अपने भाई की मौत का बदला चुकाने के लिए बुलाया है, समझा? आदमी जैसे एक बार रंडे के चौखट पर गया ना, घर का रास्ता भूल जाता है, वैसे तुम अभी मौत के चौखट पर पहुंच गए हो। जिंदगी का रास्ता भूल जाओ। आ, 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 आ,
रानी, तू ये कैसे भूल गया कि मैं हमेशा दो घोड़ों की सवारी करता हूं? हाँ, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हुजूर। हुजूर, आप कहे तो मैं खुद ये चूड़ियां पहन लेता हूँ, ये साड़ी पहन लेता हूँ। हुजूर, हुजूर, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। हुजूर, मैं असली बात तो बताना भूल ही गया। हुजूर, मेरी एक मुंह बोली बहन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आप कहे तो शाम को आज थड़वा साला। बहुत प्यार था ना तुझे अपने भाई से, बहुत चाहता था ना तू उसे। वो बेचारा ऊपर अकेला है, भेज रहा हूं मैं तुझे उसके पास। नहीं, अभी देख के आता हूं। ओफो, अब क्या हुआ जय? वही जो हमेशा होता है, पानी नहीं है। तुम बैठो, मैं अभी जाकर पानी लाता हूँ। क्यों भाई, रात यहीं गुजारने का इरादा है? नहीं, तुम बैठो, मैं अभी गया और अभी आया। लेकिन तुम्हें यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? अरे काजल, प्यार करने वालों ने पहाड़ काट कर दूध की नहर निकाल दी, तो ये पानी क्या चीज है? मैं भी आया।
अगर मेरे अजय के बदन पे एक भी खराश आई तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। अरे तू क्या हासिल करेगा मुझे राजकुमार? दिल पर हुकूमत करना तेरे जैसे जानवर का काम नहीं है। और ये भी सुन ले कि जितनी मोहब्बत मैं अपने अजय से करती हूँ उससे कई ज्यादा नफरत मैं तुझसे करती हूँ। देखा राज, तूने मोहब्बत इसको कहते हैं, और ये मोहब्बत मैंने छीनी नहीं, नहीं खरीदी है। ये मोहब्बत मुझे मोहब्बत के बदले मिली है। और हाँ, मैं काजल को भगा करने ले गया, बल्कि एक जालिम के चुंगल से एक बेबस लड़की को आजाद करके पहले मैंने इंसानियत पर ज्यादा किया और फिर मोहब्बत का। और मेरे इस फर्ज को तू गद्दारी का नाम दे या धोखे का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तू अपने नजर में सही है तो मैं भी अपने नजर में गलत नहीं हूं राज। और रहा सवाल दोस्ती का, तो मैं जानता हूं तूने मुझे अपने दिल से निकाल दिया, मगर मैं ऐसा गिरा हुआ काम ना कर सका ना कभी करूंगा। तुझे मालूम नहीं, मैं हमेशा दो घोड़ों की सवारी करता हूं। राज, तूने क्या किया राज? जिंदगी भर इंसाफी करता रहा हूं, आज पहली बार तो इंसाफ किया है, और फिर जीता भी तो किसके लिए? ये देखना, मेरे हाथ में तो शादी की रेखा ही नहीं है। काजल, काजल, मुझे कभी माफ मत करना, मैं इस लायक ही नहीं हूं। अजय, अजय महाराज, मुझे मालूम है ये मेरा कहना कभी नहीं मानेगी, तू बोलना इसको। नहीं राज, बोलना राज, मुझे मुझे कभी राज कभी माफ नहीं राज नहीं।